चैप्टर 356 अनफॉर्चुनेट पार्ट 1। हिसुगा यहाँ पे खुश है लेकिन उसके हाथ में पपीट हुआ था ब्लास्ट लास्ट चैप्टर में, और हिसुगा को समझ में आ गया कि क्रोलो ने ये जब किया था जब हिसुगा क्रोलो पे अटैक कर रहा था, और जो हेड ब्लास्ट हुआ था उसकी बॉडी भी ब्लास्ट हो गई है उसी पपीट की। क्रोलो ने रिकॉर्ड रखा कि कौन से पपीट का हेड हिसुगा ने अलग किया है। हिसुगा को लग रहा था कि क्रोलो हिसुगा से बच रहा है, लेकिन क्रोलो टाइम बाय कर रहा था सन एंड मून को मैक्सिमम पावर में ब्लास्ट करने के लिए। पपिट अपने आप ब्लास्ट नहीं हो सकता। क्रोलो ने कुछ पपिट को माइनस के साथ स्टैंप लगाया, फिर उसे सेलफोन से मैनिपुलेट करके प्लस को टच करने के लिए कहा, और हिसुगा ने जो बंजी गम सीलिंग पर लगाई थी वो भी अब जा चुकी है, और ये बहुत बुरा है हिसुगा के लिए। और हिसुगा के पास अब और प्लान बनाने के लिए टाइम नहीं है। पपिट हिसुगा की तरफ जाता है, हिसुगा उस पर बंजी गम श्रिंक लगा के अपने पास बुला के उस पपिट का सर अलग कर देता है, फिर उसकी बॉडी का यूज़ करके वो सारे पपिट जो भी उसके पास आते हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखने की कोशिश करता है। हिसुगा का लेफ्ट हैंड के बाद अब हिसुगा प्रिसीजन के साथ अपने नैन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने लैग का यूज़ करता है। तो हिसुगा अपने लैग को थ्रो करता है सीलिंग की तरफ और वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। पपिट हिसुगा का पीछा करता है लेकिन हिसुगा हेड से पपिट को डिस्ट्रॉय करता है, फिर वहाँ से सीलिंग से आगे की तरफ जाता है। पपिट हिसुगा के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे क्रोलो कमांड देता है, सेकेंड फ्लोर पर जाओ, हिसुगा को ढूंढो, और जब तुम्हें हिसुगा मिले, एक पपिट के हाथ में माइनस का निशान है और एक पपिट के हाथ में प्लस का निशान है। फिर से कंटिन्यू करते हैं क्रोलो की कमांड, अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लो हिसुगा के पास जाके। यहाँ पे पपिट हिसुगा को देख रहा है, जैसे ही हिसुगा उस तरफ आता जहाँ पे पपिट था हिसुगा नोटिस करता है पपिट को, लेकिन पपिट हिसुगा के जंप करते हैं और प्लस माइनस को कनेक्ट करके वहाँ पे होता है एक ब्लास्ट। हिसुगा उस ब्लास्ट के धमाके से उड़ते उड़ते दूसरी तरफ जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर भी पपिट्स उसका वेट कर रहे हैं। हिसुगा अगर नीचे गिरता है तो वो पपिट्स का शिकार हो जाएगा, लेकिन हिसुगा जिस तरफ जा रहा है वहाँ पे पपिट्स ऑलरेडी उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ बंजी गम को सीलिंग से अटैच करने की कोशिश करता है, वो लैग को थ्रो करता है लेकिन उसका लैग भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब हिसुगा अपने दूसरे लैग को थ्रो करता है, और तभी हिसुगा पे एक आदमी थ्रो करता है क्रोलो, जो कि एनिमो कार्टून बोल रहा था, और क्रोलो एक और को पकड़ लेता है जो कि एनिमो कार्टून बोलता है, तो वो उसको भी हिसुगा की तरफ थ्रो कर देता है। हिसुगा को सीलिंग की तरफ जाना ही होगा, लेकिन क्रोलो एक और एनिमो कार्टून बोलने वालों को हिसुगा की तरफ थ्रो कर देता है, और हिसुगा रिंग के बीचों बीच गिर गया है, और हेड जो हिसुगा से कनेक्टेड था वो सीलिंग पे नहीं पहुंच पाया। यहाँ हिसुगा सोच रहा है कि वो अब क्या मरने वाला है, और सारे पपिट्स हिसुगा पे हमला करने के लिए तैयार हैं। हिसुगा यहाँ ये सोचता अगर वो इसी तरह मरने वाला है तो हिसुगा कर लेता है अपने आप को ब्लास्ट।